जहां सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। बता दें कि 15 लोग घायल हैं। हाथरस के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर मैक्स और रोडवेज बस में भारी टक्कर हुई है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। हाथरस के चंदपा कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बता दें कि इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाने पर और घायलों के उचित इलाके के लिए निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि हाथरस में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, यह हादसा आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर हुआ है और मैक्स और रोडवेज बस में भारी टक्कर हो गई है। वजह से सामने से आयसर मेट्रो वो आ रही थी, आयसर टैंकर, उस पर डिस्कंट्रोल होकर पीछे एसी बस ने इसमें टक्कर मारी। एसी बस थी, रोडवेज की जनरत थी, आगरा से अलीगढ़ वाली। मैक्स ने टक्कर मार दिया, बस ने मैक्स में मारी पीछे से, बस ने फ्रंट साइड से। मैक्स में कितने लोग थे? मैक्स में करीबन 30 से 35। यहाँ पे सासनी हाथरस से खंडौली आगरा जा रहे थे, दावत खा के जा रहे थे, छोटा टाटा मैजिक में जो सवार थे। इसमें तत्काल ही घायलों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं जो ड्राइवर उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की। तो क्या अभी इसमें किसी में ड्राइवर की भी मौत हुई है क्या? नहीं, अभी इसको सुनिश्चित नहीं करा जा रहा है, अभी शिनाख्त करी जा रही है, सबको पहचाना जा रहा है और जो भी इसमें दोषी बचेगा। तो अभी ज्यादा जानकारी के साथ जिला हॉस्पिटल से संवाददाता सुमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बताइए कैसे हुआ यह हादसा और अभी जिन लोगों को चोट आई है उनकी क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अलीगढ़ से आगरा का हाईवे है, नेशनल हाईवे है। कोतवाली चंदपा क्षेत्र का एक गांव है मीटई, जो रोड पे है, उसकी के पास ये मैक्स गाड़ी जा रही थी और एक रोडवेज की बस है जनरत पर, उसमें जो है आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसके बाद मौके पर ही लगभग 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें 4 छोटे बच्चे हैं, 4 महिलाएं हैं और 7 पुरुष हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी हाथरस जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को लगी थी, तत्काल पुलिस प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए हाथरस जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी फिलहाल हाथरस जनपद पुलिस मृतकों की शिनाख्त कर रही है, पहचान कर रही है। ये सभी लोग सासनी के गांव से एक कार्यक्रम को अटेंड करके वापस अपने घर आगरा के खंडौली में जा रहे थे और तभी अचानक से हादसा हुआ है। मैक्स गाड़ी में लगभग 30 से 35 लोग सवार थे, जिसमें से 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं और जो इसमें गंभीर घायल हैं 7 लोग, उनको हाथरस के अलीगढ़ रेफर किया गया है, जहां उनका भी उपचार चल रहा है। फिलहाल हाथरस जिलाधिकारी और हाथरस के पुलिस अधीक्षक फोर्स के साथ जिला अस्पताल पर मौजूद हैं। मृतक के परिजनों से और घायलों के परिजनों से संपर्क कर रहे हैं, पूरी सूची बनाई जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है हाथरस के अधिकारियों द्वारा, जो भी इसमें लापरवाही बरती गई है, जो ड्राइवर फरार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। टीम भी गठित की गई है। अलीगढ़ से IG शलम माथुर भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। फिलहाल पुलिस के लिए प्राथमिकता है इनिशियल, सबसे पहले घायलों को अच्छे से उपचार मिले और आगे की कार्रवाई हो। जी जी सुमित, कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है कि आखिर ये दुर्घटना हुई किस तरह से? देखिए, ये नेशनल हाईवे है जहां पर ये मैक्स गाड़ी जा रही थी और आगे से एक गाड़ी आ रही थी, ओवरटेक करने की वजह से रोडवेज बस में और मैक्स में आमने सामने की टक्कर हुई है। अब मैक्स जो पीछे से खुली हुई थी, जिसमें सभी लोग जो 35 लोग हैं वो उसमें पीछे बैठे हुए थे और जैसे ही बस से टकराई है, तभी मौके पर ही जितने भी लोग अंदर बैठे हुए थे वो सब रोड पर गिरे हैं, जिसमें से मौके पर ही 15 लोगों की मौत हुई है और बाकी गंभीर घायल, इसमें 4 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हाथरस से, जहां पर 2 गाड़ी में आपस में टक्कर हो गई है और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम योगी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। अधिकारियों को आदेश भी जारी किए हैं कि घायलों को उचित इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि हाईवे पर मैक्स और रोडवेज बस में भीषण टक्कर हो गई है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। भैया घटना पे भी फोन करूंगा।